हमारे गुनाहों की वजह से हो, अब चाहे वो कैसी तारीखी हो, कुफ्र की तारीखी हो, मासियत की तारीखी हो, वो तारीखी तकबर असर जन्म हो, अदावत दुश्मनी की हो, ये सब कुछ हमारे हाथों की कसरत, हमारे हाथों की कसरत। ये तारीखियां दूर हो सकती हैं नूर ईमान से, नूर ईमान से तकबर की तारीख तक हो सकती है, असर की तारीख तक हो सकती है, फिर सौदादत की तारीख तक हो सकती है, कुफ्र की तारीख तक हो सकती है। परवरदिगार आलम ने ईमान को इंसान के लिए सजा के पेश किया ताकि इंसान ईमान को एक अच्छी चीज समझे और उसे हासिल करे और उसको बढ़ाता रहे। इसीलिए इरशाद होता है सूरह हुजरात में कि वअलमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह, याद रखो कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र, अगर वो तुम्हारी बहुत सी बातों में तुम्हारी इताअत करने लगे, लअनितु तो तुम खुद मशक्कत में पड़ जाओगी, मुश्किल में तुम खुद फंस जाओगे, क्योंकि एक रसूल है, तुम उस रसूल को चारों तरफ से घेर के ये चाहो कि तुम में से हर एक की मर्जी पे वो अमल करे, ये कहाँ हो पाए, तुम खुद ही मुश्किल में पड़ जाओ। लिहाजा रसूल को उनके हाथ को छोड़ दो, वो मेरी वही के जरिए से तुमसे कलाम करेंगे, मेरी वही के जरिए से तुम्हारे दरमियान आमाल अंजाम देंगे, उनका हर हर फेल मेरे जरिए से होगा और वो जो कुछ करें जो कुछ बताएं उन पर तुम्हारा अमल होना। लेकिन खुदा ने तुम्हारी नजर में ईमान को मजबूत बना, पसंदीदा बना। आज ईमान एक ऐसी चीज है कि सब इसको अच्छा समझते हैं, ईमान रखना, अच्छा ख्याल रखना, अच्छा तसव्वुर रखना, खुदा के बारे में अच्छा तसव्वुर रखना, उसके रसूल के बारे में अच्छे ख्याल रखना, मलाइका के बारे में अच्छे ख्याल रखना, किताब इलाही पे ईमान रखना, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह ने इनके बारे में तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी है, मोहब्बत उसने पैदा किया है। अब तुम कोशिश करो कि ईमान बेहतर से बेहतर होता जाए और कामिल से कामिलतर हो। अलबत्ता कामिलतर होने के लिए भी दुआ की जरूरत है, बहुत सी रुकावटें आती हैं कि हमारा ईमान कमाल की तरफ नहीं आता। इमाम ज़ैन العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بلغ بی ایمانی بلغ ایمانی اکمل ایمان کامل ترین ایمان تک مجھے پہنچا یعنی نور زیادہ سے زیادہ یقین मासूम फरमाते हैं कि हमारा कलाम नूर होता है, हमारे कलाम के आईने में अगर तुम खुदा को पहचानना चाहोगे तो यकीनन तुम्हें मार्फत बेहतर से बेहतर हासिल होगी और कमाल ईमान कर पाओगे। हमारा कलाम नूर है, नहनु नूरुल लिमन तबियान, हम नूर होते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी पैरवी करते हैं। ईमानी अब मर ईमान, उसके बाद फरमाते हैं कि वजअल यकीनी अफ़ज़ल, जब ईमान के कमाल को हासिल कर दो तो यकीन के लिए दुआ करो, यकीन तो है जब ईमान है तो यकीन भी है, लेकिन अफ़ज़ल यकीन का सवाल है। यानी ये यकीन है कि पर्दे के पीछे कोई, अब इसका सवाल करो कि जो पर्दे के पीछे वो सामने आए, ताकि वो मार्फत जो पर्दे के पीछे है वो
वो बेहतर से बेहतर वो कब हो गया वो पर्दे से बाहर आए तो आप उसको ज्यादा ज्यादा बेहतर पहचान पाएंगे। एक मरतबा दूर से धुआं देखते हैं ये भी मार्फत, करीब जाके आग देखते हैं ये भी मार्फत है, ये भी यकीन है, लेकिन उस यकीन से बेहतर यकीन ये यकीन है। अगर आपने अपना हाथ उसमें डाल दिया और आग के अंदर अपना हाथ डाल दिया जल गया तो इससे बड़ा यकीन कौन सा यकीन है कि आग ही नहीं है। तो लिहाजा मार्फत में गर्व होना चाहिए आगे बढ़ते हैं। अगर सही मानों में हम गए तो वो ये सारी चीजें हमारे लिए हासिल हैं और आसानी पैदा करेंगे तमाम चीजों को हासिल मामूल मेरे यकीन को कामिल करीन अफजल करीन अफजल करता है वजह यकीन अफजल यकीन मेरे यकीन को अफजल यकीन बेहतरीन यकीन फजीलत तरीन यकीन वंतहे बनीयत इला अहसन मामूल मेरी नीयत को बेहतरीन नीयत वबे अमल इला अहसन और मेरे आमान को भी बेहतरीन अमल अजीजों यहाँ पे गुफ्तगु नियत के आके खत्म हुई। मौला ने फरमाया कि चार चीज अल्लाह से मांगो, ईमान, दूसरी चीज यकीन, तीसरी चीज नियत, चौथी चीज अमल। ये चार चीज परवरदिगार से सवाल तो हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए ये चार चीजें मांगनी चाहिए। अब यह कि किस हद में मांगनी चाहिए, फरमाया ईमान मांगो तो कामिल तरीन मांगो, कामिल तरीन ईमान यानी नहीं कि मामूली ईमान, यकीन मांगो तो अफजल यकीन मांगो, अच्छी नियत का सवाल है तो जो नियत में अहसन हो उस नियत का सवाल, और अमल की हद तक अहसन रहा बेहतरीन अमल। इनमें से एक सत्रह ऐसा है जो उसके काफी दिनों तक काफी दिनों तक आइए तो नियत के ईमान के सिलसिले में यकीन के बारे में अब नियत के बारे में आपको नियत 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 है अच्छी नियत नेक नियत इतनी अजमत रखती है कि इंसान अगर अमल भी न करे सिर्फ नियत कर ले तो उसको अमल का सवाब मिला। जाबिर ने अब्दुल्लाह अंसारी का बयान है कि सरकार द्वारा दो तरह के लोग हैं जो अजर व सवाब में बराबर के हकदार हैं, दोनों का सवाब बराबर से है। एक सवाल रजुल मुस्लिम आताहु अल्लाहु मालन, वो मर्द मुस्लिम जिसे अल्लाह ने माल से नवाजा सरदर से नवाजा उसे दौलत अदा की है और उस दौलत के बारे में उसने फैसला कर लिया कि मुझे इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना है और ये माल भी हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा, लिहाजा इस माल को राह बना के फयामल फी है बेताहत। उसने ये तय कर लिया कि माल दुनिया से खत्म होना ही है, दुनिया की दुनिया से जाना है, लिहाजा इस माल को इतार देना ही वो सब करना चाहिए और
الوسطى. ورجل فقير، اور ایک شخص ہے جو کہ نادار ہے، فقیر ہے، غربت کا مارا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یقول، وہ عرض کرتا ہے بادشاہ پروردگار، کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہم لو رزقتنی ما رزقت پروردگارا، اگر تیری مصلحت ہوتی تو مجھے بھی اتنا ہی دیتا اور وہی کچھ دیتا جو تو نے میرے بھائی کو دیا. میرے برادر مومن کو تو نے جو کچھ دیا ہے اور وہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اگر تیری مصلحت ہوتی تو مجھے دیتا، لیکن میں یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں معبود، فی الحال اپنے لیے کہہ رہا کہ میں فی الحال یہ کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہ اگر وہ مجھے ملتا تو میں بھی تیری راہ میں بھی خرچ کرتا، تیری ہدایت کے تحمل کرتا. پیغمبر فرماتے ہیں دونوں کا ثواب برابر، ایک جس نے نیت بھی کیا اور عمل بھی کیا، دوسرے جس کے پاس مال تھا ہی نہیں، لہذا عمل کی منزل نہیں آئی، پروردگار عالم نے اس کی نیت کو عمل کا درجہ دے دیا اور نیت ہی پہ وہ ثواب دیا ہے جو مالدار نے مال کو رائے خدا میں خرچ کر کے حاصل کیا. ایک سوال کریں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا اللہ کا فرمایا کہ اگر نیت ہے، نیت اچھی ہے تو پروردگار عالم عمل کا ثواب ہے. نیت ہے اس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، اچھی نیت ہونی چاہیے، نیت ہی ہونی چاہیے. اس اچھی نیت کو اس کو امام زین العابدین رہے پروردگار عالم نے اسی کو قرآن کریم میں خلوص اور اخلاص سے تعبیر کیا. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد، خالص عمل وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تم اپنے ایمان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہو کہ دل کیا یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے اس عمل کے اوپر. اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تعریف میری نہ کرے مگر پروردگار میری، یہ دل کہہ رہا ہے لا یحمد کا علیہ احد غیر اللہ عز وجل، اگر دل یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اگر تعریف کر دی تو بس کافی، تو سمجھ لینا وہ عمل عمل ہے. فرماتے ون نیت افضل من العمل، نیت عمل سے افضل. الا وَإِنَّ النِّيَّةَ هُوَ الْعَمَلُ، آگاہ ہو جاؤ نیت ہی عمل ہے. ثم تلا قوله عز وجل، اس کے بعد ارشاد پروردگار قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت فرمائی کہ قل کل یعمل علی شاکرته، اے میرے حبیب اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جو انسان جو نیت کرتا ہے اسی نیت کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے اور عمل کی قبولیت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے. ایک سوال پڑھیے سرکار دو عالم، نیت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، نیت خیر، یہ سب باتیں کیوں ایسی ہیں؟ نیت خیر کتنی اہم ہے اور نیت کے اتنے فائدے ہیں کہ وہ عمل کی جگہ پہ آ جاتی ہے، کیوں ایسا ہے؟
ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारे ख्याला, हमारे फिक्रे, हमारी नियति, हमारे गुमान, हमारे तसव्वुरात, हमारे तवहुमात, हम जो दिल में तरह तरह के ख्यालात ले आते हैं, हमारे सारे ख्यालात खुदाई ख्यालात बन जाते हैं, हमारी तमाम फिक्रें खुदा की तरफ ले जाने वाली हो जाएं, इसलिए अच्छी नियत की तातीर की जाती है, अच्छे तसव्वुरात की तातीर की जाती है, अच्छे ख्यालात की तातीर की जाती है कि ज़हन में अल्लाह को बसा दो। फरमाते हैं अबू ज़र हुम बिल हसना व इल्म दा, अबू ज़र नेक काम करने का हमेशा इरादा है, चाहे अमल की तौफीक न होने पाए, अमल की नौबत न आने पाए, लेकिन नेक नियति हमेशा रखना। इसका सबसे अजीम फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि तुम इस दुनिया में गाफिलों में नहीं लिखेगा, तुम्हारा शुमार गफलत करने वालों में नहीं होगा। लिखेगा तो तबा मिन अल्लाह, एक सलवात पढ़ी मन आता फिराश वयन्वी अन यकूमा फयुसल्ली फिल्लैल फयुसल्ली मिन अल्लैल फगलबतहु नौमुहु फगलबतहु ऐनुहु हत्ता युस्बिहा। ऐ अबू ज़र, अगर कोई इंसान अपने बिस्तर पर लेटे और ये नियत करे कि मैं इंशाअल्लाह अज़ान से पहले बेदार होकर वुज़ू करूँगा, वुज़ू करके मैं नमाज शब अदा करूँगा, इतनी उसने नियत कर ली, फ़ग़लबतहु ऐनुहु, लेकिन नींद इतनी गहरी आ गई कि वो उठ नहीं सका, हत्ता युस्बिहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, अज़ान हो गई, नमाज शब का वक्त निकल गया। नमाज शब पढ़ी भी जाएगी तो कदम पढ़ी जाएगी, नमाज शब का वक्त हमारे समाज में कितनी अहमियत, नमाज शब की इतनी अहमियत कि फरमाया गया है कि रात में जब बेदार हो तो नमाज शब 11 रकअत पढ़ो, 8 रकअत नमाज तहज्जुद, 2 रकअत नमाज शब, 1 रकअत नमाज वज़्र, दुआएं भी जिक्र की गई। और ये बताया गया है कि अगर आप इसको मुख्तसर करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हत्ता से सूरह हम्द में भी इत्तेफाक कर सकते हैं, हर रकअत सूरह हम्द से ये भी कर सकते हैं। ये नमाज इतनी अहम है कि अगर आप घर से निकल के मस्जिद जा रहे हैं और आपके पास घर में नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिला, और अगर आप मस्जिद पहुंचेंगे तब भी वक्त नहीं मिल पाएगा, तभी तो आजान होने लगेगी, तो आप रास्ते में चलते चलते और ये भी याद रखें किबला की विषय परवर इदारे आलम ने इतना ज्यादा इसको अहमियत दिया है कि शब में जब लोग सो रहे हो दुनिया में एक अच्छा खासा, हाँ एक बड़ी तादाद गफलत भी गुजर रही हो, नींद भी गुजर रही, दुनियादारी करते करते सो रहे, अब तुम इन हालात में अल्लाह को याद करो, चल बात इस तरह से पढ़ो, तो इसकी इतनी अहमियत है कि ला तअलमु नफ्सुन मा उफ़िया लहु, कोई नफ्स नहीं जानता कि इसका अज्र कितना रखा गया है जो कि पोशीदा नहीं जानता। इसीलिए जो लोग नमाज शब नहीं पढ़ता उसे उम्र की दुनिया चाहते हैं कि उठे लेकिन नहीं उठ पाते, वो कोशिश करें कि सिर्फ 3 रकअत नमाज जरूर पढ़े, 2 रकअत नमाज शब और 1 रकअत नमाज वज़्र,
शफ इसलिए है कि कुरान करीम की आयत वल फज्र वल लैली अशर वश शफ वल वतर, क्या अगर इसको लोग शफा का नमाज शफा पढ़ते हैं या नमाज शफा पढ़ते हैं तो शफ है, लेकिन कोई हज नहीं है जब तुम्हें शफा और नमाज वितर नहीं बदल कुरान की आयत। सुबह जो रात में इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट जाए कि मैं शब में किसी वक्त उठ के नमाज शब तहारत के साथ पढ़ूंगा और उसको ऐसी गहरी नींद आ जाए कि वो बेदार ना हो सके और अजान सुबह हो जाए, कतब अल्लाह लहु, खुदावंद आलम उसके लिए पूरे तौर पर नमाज शब का सवाब लिखेगा और नमाज शब में जो जो वो मांगने वाला था वो सारी हाजतें अल्लाह उसे एक सवाल पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये इतना सवाब किस बुनियाद पे दिया जा रहा है क्या जवाब है, नियत नियत। इबादत देखिए, इबादत ऐसी बात कि अबू दर्दा वगैरह बयान और खुद अहले बैत फरमाते कि मौलाए कायनात की इबादत सत्तर सत्तर मरतबा एक रात में बेहोशी का है एक नौबत ऐसी भी आती है कि सजदे में है एक मुद्दत से यानी काफी वक्त गुजर गया सजदे में सर नहीं उठाया, अब उस दर्दा ने जाके हिलाया तो देखा कि कहीं से कोई जुम्मिश नहीं, फौरन खाने सजदा पे आते हैं दस्तक देते हैं तस्वीर जाते हैं एक मरतबा अर्ज करते शहजादी मौलाए कायनात तुम्हें से रुखसत हो गए, फरमाए क्या देखा हमें इस हालत में देखा, फरमाए वल्लाह या लकशी अल्लाह खुद अपने कशी खुदा की कसम अली खौफ इलाही में बेहोश हो गए। वो अली फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी इबादत तुम्हारी इताअत में कहीं से कोई कमी रह जाए मगर तुम्हारी नियत ठीक हो तुम्हारी नियत खालिस हो तो तुम्हारी नियत जैसी होगी वैसा ही उसका सवाब अता किया जाएगा। एक सवाल जो भी अपने बिस्तर पे मर जाता है दुनिया से रुखसत हो जाता है बहुत अला मारिफत हक मिन रब्बिही, वो अपने रब की मारिफत हक पर है यानी अपने रब को पहचानता है, वह हक रसूल ही और मारिफत वाकई रसूल है, वो अहले बैत ही और रसूल के अहले बैत की भी वाकई मार्फत रखता है। तो मैं वाकई कह रहा हूं शायद वाकई मार्फत का मकसद होता है बहुत ऊंचा दर्जा हो ईमान में नबी में तमाहात में तो वो वाकई मार्फत लेकिन वाकई मार्फत काफी मार्फत बहुत छोटी सी चीज है बहुत अहम लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल तारीफ नहीं है। क्या काफी मार्फत यानी इस बात की मार्फत कि ये वो हस्तियां हैं कि इनकी इताअत मुझ पर वाजिब है और मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इनकी इताअत करूं, ये है वाकई मार्फत। फिर इसके दर्जात स्पेस में डूबता चला जाएगा तो
लाजिम फरमाते जो इन मार्फतों के साथ अपने बिस्तर पे मर जाए, माँ का शहीदन वो दुनिया से शहीद जाएगा, बाबा का अजरहु अला अल्लाह और उसका जो भी अजर है वो सिवाय खुदा के कोई और नहीं जानता, अल्लाह ही उसका अजर है। यानी कोई नहीं बता सकता कि उसका अजर इतना होगा, इतनी घोड़े मिलेंगे, ऐसी जन्नत मिलेगी, इतने इनामात उसे मिलेंगे और क्या क्या नेमतें मिलेंगी, ये कोई नहीं बयान कर सकता। बस इतना समझ लो कि उसका अजर अल्लाह है। वस्तव जब मां नवाम में नमले और जितने नेक अमल करने का उसने इरादा किया था, नियत की थी, उस नियत की बुनियाद पे उसको सारा सवाब मिलेगा। और उसकी नियत मैदान जंग में तलवार निकाल के हमला करने की जगह पे आएगी, और इस नियत ने जिहाद के पूरे मराहिल को अपने अंदर रख लिया है। सिर्फ नियत कर लेगा तो शहीद का सवाब अदा होगा और बिस्तर पर लेटे लेटे मार गए जंग का सवाब उसे हासिल हो जाएगा। एक सलावत पढ़
से जब पारित हुए, जंग यमन को आपको जानते हो कि मुकाबले में कौन था, उम्मुल मोमिनीन और मौलाए कायनात थे, जंग का तस्करा बहुत से मकाम से किया, मौला जंग नहीं करना चाहते, लोगों ने मजबूर किया और ये जंग हुई। फरमाया कि कामयाबी मौला एक शख्स और आके कहने लगा, या अली वदित तो अन्न अखी फलानन कान शाहिदना माना, मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरा फला दोस्त फला भाई बरादर ईमानी काश इस जंग में होता तो वो भी आपकी कामना। ये तमन्ना मेरी है, मेरी ये आरज़ू है। आपने उससे पूछा, ये बताओ आहवा अकीका काना माना, क्या तुम्हारे भाई की मोहब्बत चाहत हमारे साथ थी, वो हमारे साथ रहना चाहता था, उसकी रग़बत उसका शौक हमारे हमराह था। उसने कहा नाम हाँ, अरे वो आपका चाहने वाला है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। फरमाया वल्लाहि लखशा अहदना फी अस्करी, खुदा की कसम वो हमारे इस लश्कर में हम मुझे बड़ा कसम पढ़ रहा हूँ और कसम खा के फरमाया वल्लाह लकद कान शाहिदना माना फी अस्करीना हादा फी हादर मौकिफ, वो यहाँ था। और सुनो अनासुन यखलुकु अल्लाहु, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आइंदा आएंगे दुनिया में पैदा होंगे, सयरअफ बिहिमुल ज़मान व यक़वा बिहिमुल ईमान, वो आएंगे कसरत होगी उनकी, ईमान को तकवियत मिलेगी, ईमान हर तरफ फैलेगा, परचम ईमान लहराएगा। और सुनो उनको भी वही सारा सामान मिलेगा जो तुम्हारे भाई को, सिर्फ इस मोहब्बत में कि वो हमसे मोहब्बत करता था और अली के साथ रहना चाहता था, उसको वो सामान मिलेगा। कयामत तक पैदा होने वाले और हमारे चाहने वाले जो होंगे उनको भी वही सामान मिलेगा। क्यों वही सामान मिलेगा? नियत معبود میری نیت کو احسن نیت قرار دے، بہترین نیت قرار دے۔ اس سے بہتر نیت کیا ہوگی کہ ہم مولا کے ساتھ مولا کے ہمراہ۔ ایک مرتبہ شاید پوچھتا ہے جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی وہی سوال ملا جو یہاں پہ آپ کے لشکر میں تھے، جنگ کی جہاد کیا، تلوار اٹھائی، مرد مقابل کے سامنے گئے، لڑے، قتل ہوئے، کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے، کوئی شہادت کے درجے کو پایا۔ فرمایا ہاں لأنهم یشرکوننا فیما نحن فیہ حقاً حقاً، इसलिए कि वो हमें अपने हर काम में शरीक रखते हैं, हर काम में हमें शरीक रखते हैं और शिरकत भी ऐसी नहीं है, हक्कन हक्का वाकई हमारे नाम पे काम, हमारे नाम से अमल अंजाम देते हैं। अगर मजलिस हमारी ऐसी ही हुई, अगर हाँ आजादारी हमारी ऐसी ही हुई, अगर जश्न दिगर तकरीबात किसी तरह से हुए और जितने प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो अगर इसी तरह के हुए
तो यकीनन मौला के इस कौल के हम इसदाक होंगे और नियत में हम असहाबे जबन में जो लोग मौला के साथ थे उन्हीं का सवाब आज हमें भी मिलेगा। एक सवाल कहते बेहतरीन, मैंने सबसे अच्छा, लेकिन मौला का कलाम हर कलाम सबसे अच्छा, फिर जो कहते हैं कि सबसे अच्छा हर कलाम ही सबसे अच्छा है, हमने इसी वक्त कहा हर कलाम अच्छा है, तो ये कलाम ये बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत से मौला के कलाम हमारे लिए नहीं, हमारे जहन की सतह से वादा जो हमारी समझ में आ रहा है हमारी समझ के एतबार से बहुत अच्छा, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा वो हमसे ऊंची समझ रखने वालों के ज्यादा उनके एतबार से बहुत अच्छा होगा। इच्छा एक सलवात पढ़े इसमें मैं तब कर रहा हूँ फरमाते हैं नौ अन्नास अगर लोग जब लोगों के बलाएं मंडराने लगती हैं मुसीबतें बलाएं आने लगती हैं और बलाओं में गिर जाते हैं वतज़ूल अनहुम निअम और उनसे नेमतें सब जोने लगती हैं सेहत तक होने लगती है दौलत मिलने लगती है बिजनेस ठप होने लगता है मामला में नुकसान होने लगते हैं जब इस तरह के हालात होने लगे सुनो वह आए कानून और इस बात का उन्हें यकीन हो कि ये सब कुछ हमारे अपने हाथ की कसरत की हुई चीजों की बुनियाद पर है सुम फजा हो अगर इतना यकीन करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ पलट जाएं फरियाद करें तौबा करें माफी मांगे इस्तग़फ़ार करें परवरदिगार की आलम परवरदिगार आलम की बारगाह में बिनुल्लाह रुजिया के दुआ मांगे अगर ऐसा करने लगे तो सुनो हर चीज जो उनसे छीन ली गई थी वापस ला दी और जो जो नियमत उनसे सल्ब कर ली गई थी दोबारा अदा कर दी क्यों उनकी सच्ची नियतों की बुनियाद पे ये सब एक सलवात पढ़े शिव
ये समझना चाह रहा था कि स्वयं जिंदा है या नहीं। अजी तो उसने एक आवाज बुलंद की, सुनो हर अमर हुसैन, अरे फौज अश्तिया हुसैन के हम पर यलवार कर दो, हमला कर दो और धावा बोल दो, हाँ आजादारो। हजारों की तादाद में फौज अश्तिया हुसैनी हरम की तरफ आगे बढ़े, क़याम हुसैनी की तरफ आगे बढ़े। इस सदाए शिमर मरहून ने हुसैन को होश अता कर दिया, एक मरतबा आँखें खोली, फरमाया इन कुंतुम अहरारन, देखो अगर तुम आजाद इंसान हो, आजाद हो तो आओ मुझसे जंग करो, जंग मुझसे हो रही है, औरतों पे तो जिहाद भी वाजिब नहीं है, उनकी तरफ क्यों जा रहे हो। आदिजो एक मरतबा शिमर मलहून ने कहा, हाँ चलो हुसैन पे हमला कर दो। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब क्या था, लकद कुतल हुसैन, मेरे जज हुसैन को किसी ने पत्थर से मारना शुरू किया। अरे पत्थर से मारने वालों की तादाद भी ज्यादा थी, कुछ लोग ऐसे थे जो नैजों की बारिश करने लगे, कुछ ऐसे थे जो तीर बारानी करने लगे, कुछ ऐसे थे जो तलवारों से हमला कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास ये चीजें नहीं थी तो वो आसा से हमला कर रहे थे। आजादारो एक मंजिल भी ऐसी भी आई कि जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने गुस्ताखाना अंदाज बातें करना शुरू की, अरे हुसैन देखिए फुरात की तरफ कैसे पानी लहरा रहा है, मौजे मार रहा है, लेकिन कतरा आपको नहीं मिलेगा। आजादारो उस आलम में शिवर मलोन आगे बढ़ता है, एक मर्तबा करीब जाता है, सीने की तरफ तो आगे बढ़ता, लेकिन जुरत न हुई, हुसैन को पलट दिया और पुश के बल आया। उसने एक ऐसा काम किया कि सदा बुलंद हुई, अला कुतल हुसैन बेकरबला, अला ज़ुबह हुसैन।